हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका चैनल में। तो यहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मैं अपनी मम्मी की गोदरेज साफ़ कर रही हूँ। साफ़ मतलब वो उन मम्मी लोगों ने सोचा था, इसका लॉक भी ख़राब था तो लॉक लगवाया है, और वो तो मतलब इसे देने की सोच रहे थे, नई गोदरेज ला रहे थे। और फिलहाल फिर इनके लॉक वगैरह लगा के सही करवा के फिर सोच रहे थे कि इसमें पेंट करवाएंगे। तो पेंट तो जब होगा तब होगा। मैंने कहा चलो आज मम्मी की मैं गोदरेज को साफ़ कर देती हूँ, काफ़ी गंदी हो गई है जैसा आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ ले लिया है, एक उसमें गर्म पानी सर्फ़ और स्कॉच ब्राइट ले लिया। और पहले मैंने ये पूरा सर्फ़ इसमें लगा के थोड़ी देर के मतलब जैसे लगाया, फिर उसके बाद मैं इसे घिसने लगी। और यकीन मानिएगा आप, अभी आप देखना फ़र्क देखना। तो मतलब ऐसा कुछ तो ऐसा मैल तो है जी, ये था नहीं, पर स्कॉच ब्राइट से बिल्कुल साफ़ होने लगा, साफ़ होने लगा। और अच्छा लगा मुझे कि चलो गोदरेज मम्मी की अच्छे से हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, ये देखो ऐसे निकल रहा है, और देखो बिल्कुल मैल ना ऐसे निकल रहा है। तो अच्छे से घिसी मैंने, फिर थोड़ी देर भाभी भी आई, भाभी ने भी वो किया क्योंकि थक जाते हैं हाथ ना, मतलब मेरा सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना ऊपर ऊपर। फिर मैंने ऊपर से छोड़ के मैंने कहा पहले मैं नीचे नीचे कर देती हूँ, फिर ऊपर ऊपर की तरफ मैंने भाभी को बुला दिया था। भाभी अपना काम कर रही थी क्योंकि घर में जॉइंट फैमिली है, कई काम होते हैं, जिम्मेदारी तो सारी मेरी बड़ी भाभी पे ही रहती है ना, होता ही है। तो बस वो कर रहे थे अपना काम। और छोटी वाली की तो भाई छोटी बच्ची है, क्या बोलें, बच्चों के साथ तो वो रहती भी नहीं है किसी के पास, होता ही है, पर कई परेशान कई काफ़ी हद तक सही हो गया है, साफ़ हो गया है। तो अभी से फाइनल पोछूंगी तो दिखाती हूँ आपको, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। यहाँ देखिए बिल्कुल चमक गई है मम्मी की गोदरेज, ये देखिए। अभी साफ़ करती हूँ तब दिखाती हूँ। टावल था बाहर रखा हुआ तो वो मैंने एक तरफ से गीला करके लाया, तो पहले मैंने गीले टावल से साफ़ किया, फिर उसके सूखी साइड से साफ़ किया। तो बिल्कुल गोदरेज बिल्कुल नई सी हो गई, मतलब नई मतलब सारा मैल निकल गया, नहीं तो जैसे ये अब पेंट वगैरह उखड़ा हुआ है इसका, ये तो खैर ये कि पेंट लगेगा तभी होगा ना, बट ये कि जो गंदगी थी मैल था वो निकल गया। और इसके बाद दिखाऊंगी, फिर इसके बाद लाई मैं मम्मी को अंदर। मैंने कहा मम्मी आप भी अपने रिव्यू दो कि मम्मी बेटी ने गोदरेज साफ़ कर लिए तो कैसी लग रही है। और आज मैं कर रही थी सफ़ाई तो बच्चों को भी और था, हम यहाँ की सफ़ाई करते हैं वहाँ की होता है, देखा देखी बच्चे देख के ही सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से देख के ही सीखते हैं। तो ये हो गई है मम्मी की गोदरेज एकदम साफ़ चकाचक। आप लोग भी बताना कैसी लग रही है साफ़। सो फ्रेंड, चमक गई है गोदरेज जैसा आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नई लग रही है। इसे बंद कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल नई लग रही है, अच्छी लग रही है ना। ये देखिए इधर से भी बिल्कुल साफ, दोनों तरफ से साफ करके अच्छी हो गई है गोदरेज बिल्कुल नई जैसी। तो मम्मी का रिव्यू लेते हैं, अपनी गोदरेज देखो चकाचक कर दी, साफ हो गया। और देखो आगे से देखो आया तो ना, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी, कितनी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी, एकदम शाबाश, उधर से कर भी पाई, बिल्कुल नई गोदरेज लग रही है ने? बिल्कुल नई हो गई। तो मम्मी भी खुश हो गई है देख के कि बेटी ने मेरी गोदरेज चमका दी। खुश हो गए आप? मम्मी ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, मम्मी ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं। कैसे लोग? तो ऐसे बोलते हैं ना कुछ काम करके तो बोलते हैं खुश है क्या? कोई बात नहीं, अब एक दिन यहाँ का मेकओवर करूंगी क्योंकि यहाँ अभी सामान रखा है, सही में थोड़ा सा खराब है, मतलब साफ नहीं है, मतलब तो यहाँ का मतलब ये है कि सामान है अभी उधर का इधर आ रखा ना, तो वो जाएगा, तो इधर का भी मेकओवर करूंगी। तो इसके बाद आ गई थी मैं भाभी के रूम में क्योंकि भतीजी लोग बोल रहे थे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मतलब 2-3 दिन से मैं देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे अरेंजमेंट करना चाहिए कपड़ों का, होता है ना। तो मैंने उनसे पेटियाँ मंगवाई, पेटियाँ तो थी ऊपर स्टोर में, स्टोर से पेटियाँ लेके आए। तो मैंने तीनों की मतलब तीनों भतीजियाँ मेरी, तो तीनों के अलग अलग सेक्स पेटियों में कपड़े रख दिए। तो अब ये है कि जिसको ढूंढना का अपनी पेटी के अंदर ढूंढा, फिर उसी में डाल दिया। तो बस यहाँ पे वो सब मुझे अपने अपने कपड़े दे रहे थे, तो पहले मैंने उनके सेट निकाल के अलग रख दिए, उनकी पेटियों के अंदर पैक कर दिए, उसके बाद जो और कपड़े थे उसमें फिर वो सेट करे, फिर मतलब पेटियाँ सेट करी, फिर वो कपड़े निकाल के वो सेट करे। जैसे है कि एक तरफ गर्म कपड़े रख दिए, एक तरफ भाभी के कपड़े रख दिए, ऐसे करके। तो भतीजी अभी खुश हो गई। तो बस आजकल लगी हूँ अपने मायके का मेकओवर करने में, अपना तो करती ही रहती हूँ।
तो इस बार अपने मायके का मेकओवर कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही रख दिए थे, एक साइड एक के, एक साइड गर्म कपड़े, एक साइड भैया के कपड़े, एक साइड बेडशीट वगैरह, मतलब वो ये जैसा नॉर्मली सबका ही रहता है कि बेडशीट भी है, सब चीज़ है। तो बस ये पेटियों में उनके कपड़े पैक हो गए हैं और फिर दिखाती हूँ अब आपको कैसे अरेंजमेंट किया है। तो ये बस एक तीनों के पेटियों में हो गए हैं और कपड़े मैंने साइड से लगा दिए हैं। तो बस मायके का मेक ओवर कर रही हूँ धीरे धीरे, जो जो दिमाग में आ रहा है, जो जो सेट हो रहा है, क्योंकि आजकल इनके काम चला ना माय, तो फिर इस वजह से ये हबड़ तबड़ हो रखी है कपड़ों की, सब जगह की टाइल्स वगैरह लगाए हैं मम्मी रूम में। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल